हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने स्टूडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया है और आप उसे अगर अपडेट करना चाह रहे हैं तो उसे अपडेट कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, पूरी डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पास में आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐप यहाँ पर डाउनलोड कर रखे हैं। तो दोस्तों, आप किसी ऐप को अपडेट करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर को आप ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद जिस ऐप को आप अपडेट करना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर नाम लिखिए। जैसे मैं फेसबुक को अपडेट करना चाहता हूँ, जैसे ही आप फेसबुक यहाँ पर सर्च करेंगे सामने लिखा होगा अपडेट, तो आप यहाँ पर इसको अपडेट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे आपका ये जो एप्लीकेशन है वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर अपडेट अवेलेबल है तो ही अपडेट लिखा हुआ है। अगर दोस्तों आपका उस ऐप का अपडेट अवेलेबल नहीं है, मतलब वो ऑलरेडी अपडेटेड है, तो वहाँ पर साइड में अनइंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। तो आपको समझ जाना है कि मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी अपडेटेड है लेकिन मेरा जो फेसबुक था वो अपडेटेड नहीं था, तो सामने अपडेट लिखा हुआ था तो मैंने क्लिक करके इसको अपडेट कर लिया और ऑटोमेटिक ये डाउनलोड भी हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप जो ऐप अपडेट करना चाहते हैं यहाँ पर सिंपली इसको सर्च कर सकते हैं, उनके सामने अपडेट लिखा हुआ आ रहा है तो आप उसे क्लिक करें और अपडेट कर लीजिए बहुत ही सिंपली। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपका प्ले स्टोर से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।